थोड़ा सा समय निकालकर जरूर सुने और पढ़े। नंबर एक, शुगर के मरीजों को खीरे का सेवन करना चाहिए, इससे बहुत ही फायदा मिलता है। नंबर दो, चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत खराब हो जाते हैं और दांतों में पायरिया भी हो सकता है। नंबर तीन, हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट और खून हमेशा साफ रहता है। नंबर चार, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उबले हुए आलू का सेवन करें, वजन जरूर बढ़ जाएगा। नंबर पांच, गर्मियों में नींबू का इस्तेमाल जरूर करें, इसके सेवन से हमारे शरीर से कई बीमारियां दूर होती है। नंबर छह, अगर सांस लेते समय दर्द महसूस हो तो यह पित्त की पथरी होने की निशानी है। नंबर सात, चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत खराब हो जाते हैं और दांतों में पायरिया भी हो सकता है। नंबर आठ, नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते और खाज खुजली भी दूर हो जाती है। नंबर नौ, कद्दू को काटकर आंखों पर मसलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर दस, अगर सिर में जुए पड़ गए हो तो सिर में कड़वा तेल लगाने से जुए मर जाते हैं। नंबर ग्यारह, जो कि रोटी खाना बहुत ही फायदेमंद होती है, जो कि रोटी शरीर को ताकत देती है। नंबर बारह, गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, इससे बाल कमजोर हो जाते हैं। नंबर तेरह, चाय को हमेशा ठंडा करके ज्यादा गर्म चाय पीने से कैंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप यह वीडियो भारत से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।